हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं और राजीव यानी कि वो दोस्त जिसको आपने ढेर सारे व्लॉग्स में देखा होगा, हम लोग कहीं जा रहे थे एक्चुअली। तो ये मेरे से पूछता है कि भाई 100 रुपए में कितना ही कुछ खा सकता है एक बंदा मोहाली के अंदर। मैंने बोला भाई मुझे भी नहीं पता 100 रुपए में कितना ही कुछ खा सकता है एक बंदा। हमने एक डिसाइड करा कि जाते जाते रास्ते में 100 रुपए हम खर्च करेंगे और आपको भी बताएंगे कि 100 रुपए में कितना कुछ खा सकते हो तुम एक ऐसी सिटी के अंदर, मोहाली जैसी सिटी के अंदर। देखो मोहाली की सड़कों पर बारिश के बाद कैसी रौनक सी आ गई है। हमारा मेन टारगेट होगा स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट पे जितने भी वेंडर्स लगे होते हैं उनके थ्रू हम खाएंगे, क्योंकि कैफे में जाएंगे तो 100 रुपए तो क्या ही होता है। स्ट्रीट फूड में देखेंगे क्या क्या वैरायटी मिलेगी और क्या क्या खा सकते 100 के अंदर। हमारे शिव से सिर्फ 2 स्ट्रीट वेंडर्स है आज 5 फीस मोहाली में अभी हम लोग। चलो 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 साहब साथ जी चलो अंदर आज। अभी देखो बर्मा गोलगप्पे 100 में से 60 कट हो गए, बचे 40 रुपीज़। ये है हमारा 60 रुपीज़ केक। इस हिसाब से तो बंदा कुछ खाई ये तो शुरू होते ख़त्म हो गया चैलेंज। 60 रुपये की बर्मा गोलगप्पे इसको डाले थे। ये ले गिर गई आज फैंस की आँख गल नहीं रही भाई। ये 60 रुपये कट गए हमारे 100 रुपये वाले चैलेंज में से। लेट्स टेस्ट आउट ना बड़े हैं। नहीं नहीं बड़ा मम्मी क्या था। टेस्ट तो नोड आउट अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। कैसा टेस्ट ये है भाई। 60 रुपये में 6, 3 मेरे 3 इसके। अब हमने स्कूटी पार्क कर दी है और हम जा रहे हैं किसी दूसरी जगह, सो दैट वी कैन फाइंड अनदर स्ट्रीट वेंडर देयर। यहाँ से पैदल पैदल बाय वॉकिंग 100 रुपये में तो भाई इधर भी मिल जाएगा बहुत कुछ। रम लेंगे नहीं है भाई। 100 रुपये तो है वो हो गए ख़त्म हो गए। 60 रुपये चले गए, अब हमारे बचे 40 रुपये 40 ओनली। ये चाय 20 की आएगी, 20 की चाय लास्ट के लिए बचा के रखा है, उसके बाद 20 और बचेंगे तो अभी 20 रुपये में देखना क्या खा सकते हैं। नाम लेके चाय की टपरी पे आ गए हम लोग भाई। हम गए थे थोड़े से आगे तक कि देखते हैं और स्ट्रीट वेंडर मिलते हैं कि नहीं, पर बट स्ट्रीट वेंडर्स बहुत कम मिल रहे हैं आज बारिश की वजह से। ऑलमोस्ट देखो पूरी मार्केट खाली है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्कूटी पे जा जा के स्ट्रीट वेंडर्स को ढूंढेंगे और देखते हैं कहाँ कितना क्या मिल रहा है भाई। 100 में से फर्स्ट बजट था हमारे पास 100 रुपये, उसमें से हमने 60 रुपीज़ ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं और अब 30 रुपीज़ की ये स्प्रिंग रोल प्लेट है एक और स्ट्रीट वेंडर से। तो अब हमारे कितने बच गए, 10 रुपये। चाय घर में बनानी पड़ेगी इस हिसाब से भाई, और चैलेंज भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है मुझे। हाँ मेरा तो सपना टूट गया भाई चैलेंज पूरा करने का, कुछ नहीं मिलेगा। सब्जी मंडी में जहाँ पे रेडी वाले लगते हैं वही चाय वाला सपना रहेगा, वो चाय वाला चैलेंज कैसे पूरा करेंगे। 10 रुपये का फाइनली रोल आ रहे अपने चिल्लर पार्टी आई है बगड़ो। धन्यवाद आ गए भाई अपने रोल्स और ये 90 रुपये खर्च करके हमारे पास 10 रुपये बचे हैं अब इस चैलेंज के लिए, जो कि बहुत टफ लग रहा है कुछ 10 रुपये में मिल पाना। अभी टेस्ट करते हैं इसको पहले। इट्स वेरी हॉट बहुत। क्या बोल रहा है आपके पास फोन? नहीं मेरे पास घर पे है। फोन खाना है स्प्रिंग रोल कर लो टेस्ट, एक 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 टेस्ट करके बताओ कैसा टेस्ट है। चलो रियल फूड ब्लॉगर्स हो जी। अरे सॉस लगा लेना गर्म है अभी ना, रिव्यू दे के भाग गया बच्चा। तुमने रिव्यू क्या दिया
बाय बाय ओ जी बच्चे आजकल के भाई। टू बी ऑनेस्ट सब कुछ ठीक है और मेरा पेट भी ऑलमोस्ट भर गया है, तो अभी एक सिर्फ चाय पियेंगे हम लोग, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें खानी हैं तो फिर बजट हमें बढ़ाना पड़ेगा चीज़ों को लेके। और ये लास्ट पीस आप लोगों के नाम और कहीं ना कहीं साबित हो गया मोहाली जैसे सिटीज़ में या चंडीगढ़ जैसी सिटीज़ में अगर 100 रुपये लेके चलोगे तो यार कुछ नहीं मिलेगा बजाय एक दो या तीन आइटम मैक्स मैक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। चाय के पास इतना रश, अगल भाई चाय उठाने के लिए भैया ने चाय डाली और सारे टूट पड़े हैं चाय के ऊपर। हर जगह स्ट्रगल है, ऑफिस में स्ट्रगल, चाय पीने में स्ट्रगल। और देखो चाय डलते सारे लोग चाय मतलब उठाने के लिए है दौड़ के आ रहे हैं ना, इतना स्ट्रगल एक चाय के लिए, मजा आ गया। मजा तो आ गया भाई सही में।